अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। बीते दिनों काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी लोग तालिबान के डर से देश से बच निकलने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि तालिबान की तरफ से लगातार ये ऐलान किया जा रहा था कि किसी भी अफगानी के देश छोड़ने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बाद डरे सहमे लोग देश से लगने वाली सीमाओं की ओर भाग रहे हैं ताकि देश छोड़ सके। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है और इसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई देशों से लगती है। तालिबान के डर से लोग अब इन्हीं देशों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर के बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग अपने ही जमा पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तालिबान के आने के बाद यहां आर्थिक संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है। काबुल एयरपोर्ट ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ से विदेशी संगठन मानवीय मदद पहुँचा सकते हैं, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से लगने वाली मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग तोरखम पर तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में अफगान लोग तोरखम गेट के खोलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में अफगान नागरिक अफगानिस्तान और ईरान के बीच स्थित इस्लाम कला सीमा चौकी पर एकत्रित हुए हैं। ईरान में प्रवेश करने वाले 8 लोगों के समूह में शामिल एक अफगान व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान में प्रवेश करने और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच होने से अफगानों को राहत मिल सकती है। तालिबान के आने के बाद हजारों लोग अफगान पाकिस्तान भी पहुंचे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 1,23,000 लोगों को काबुल से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अब भी हजारों लोग यहां फंसे हुए हैं। बीते हफ्ते यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5,00,000 और ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। वहीं यूरोपीय संघ ने सीरिया जैसा शरणार्थी संकट खड़ा होने की आशंका जताई थी। यूरोप की योजना है कि अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान से लगे देशों में ठहराया जाए और आर्थिक मदद दी जाए। वो नहीं चाहता है कि ये लोग यूरोप आए। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।